हेलो दोस्तों, मैं पूनम आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेव किचन में। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट मूस, जिसके साथ हम ओरियो बिस्किट का भी यूज़ करेंगे और दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम बनाने वाले हैं अपना डेजर्ट। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैंने विप क्रीम दो जगह पे ली है, एक में 1 कप है और एक में 1/2 कप है। ये दोनों हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। ये मैंने चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट है ये, जो हम मॉडे की चॉकलेट यूज़ करते हैं उसके 4 स्लैब होते हैं, उसमें से एक स्लैब मैंने लिया है और इसे चॉप कर लिया है। ये मैंने 10 बिस्किट ओरियो के लिए हैं और ये जो है मैप्रो का चॉकलेट टॉपिंग है। सबसे पहले हम एक बाउल में ये विप्ड क्रीम लेंगे, 1/2 कप वाली लेंगे, 1 कप वाली हमने बाद के प्रोसीजर के लिए रख दी है। 1/2 कप विप्ड क्रीम, उसके अंदर हम ये जो चॉप चॉकलेट है, डार्क चॉकलेट, इसे मिक्स कर देंगे और इसे माइक्रोवेव में रख के इसे मेल्ट कर लेंगे। हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव करना है, डिपेंड करता है, हर किसी के माइक्रोवेव अलग अलग तरह से काम करते हैं। अब हम इसे माइक्रोवेव में रख दें। मैं इसे स्टार्ट कर रही हूँ और मैं इसे 1 मिनट के लिए रखूँगी। मैंने ये रेसिपी कई बार बनाई है तो मुझे पता है मेरे माइक्रोवेव में इसे 1 मिनट ही लगता है। देखिए फ्रेंड्स, 1 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद ये ऐसे दिखता है। इसे अब हम बीटर से बीट करके थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम अपनी 1 कप जो हमने विप क्रीम ली थी उसे लेते हैं, इसे अब हम बीट करेंगे। बीट करने के लिए मैं अपना विस्कर ही यूज़ कर रही हूँ। हम इसे हैंड ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ये ऐसे वाले हैंड ब्लेंडर से भी हम इसे बीट कर सकते हैं, बट मैं विस्कर से यूज़ कर रही हूँ। इसे हमने ऐसे बीट करना है और हमने अपनी व्हिपिंग क्रीम जो है वो ठंडी लेनी है। इसे बीट करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। क्रीम को बीट करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। ये अब ऐसा टेक्सचर हो गया इसका। अभी हमें और इसे बीट करना है ताकि इसके जो पीक्स हैं वो ऐसे खड़े रह सकें। मुझे 10 से 12 मिनट हो गए हैं इसे बीट करते हुए। मेरा ये ऑलमोस्ट तैयार हो गया विप्ड क्रीम। ये देखिए, इसके अच्छे से पीक बन रहे हैं। अब मैं इसे और जो पहले हमने चॉकलेट सॉस तैयार किया था, इन दोनों को फ्रिज में 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दे। हमने जो बिस्किट्स लिए थे ओरियो के, उसे हम थोड़ा सा ऐसे क्रश करके मिक्सर में डालेंगे और फिर इसके हम अंदर 1 टेबलस्पून हम चॉकलेट सॉस का डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इसे अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है हमने, एकदम से चूरा भी करना है, थोड़ा सा इसे मोटा मोटा ही रखेंगे। आपने इसे ऐसे करना है बंद चालू करके। एक बार चेक कर लेते हैं। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। सॉस डालने की वजह से ये थोड़ा सा आपस में जुड़ गया है। इस कंसिस्टेंसी का हमें अपना ओरियो का पाउडर चाहिए। 1 घंटे बाद मैंने अपने दोनों जो हैं बाउल निकाल लिए हैं फ्रिज में से बाहर। चॉकलेट वाला जो है ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, इसलिए इसे हमें थोड़ा सा मिक्स करना पड़ेगा। मिक्स करके थोड़ा सा इसे स्मूथ करके फिर हम अपने विप्ड क्रीम में इसे मिक्स करेंगे और हमारा मूस रेडी हो जाएगा। मैं अपना चॉकलेट वाला मिक्सचर अब अपने विप्ड क्रीम में डाल के उसे मिक्स कर लूँगी। मैंने अपनी सारी चॉकलेट विप्ड क्रीम में डाल दी है और इसे अब हम मिक्स करके रेडी कर लेंगे अपना मूस। पूरी तरह मिक्स होने तक हमें इसे मिक्स करना है और फिर जिसमें भी हमें सर्व करना है उसमें डाल के फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हमारा मूस रेडी हो चुका है, इसे अब हम सेट करने की तैयारी करते हैं। हमने जो ओरियो बिस्किट का मिक्सचर बनाया था वो यूज़ करके हम इसे अब सेट करेंगे। मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है जिसमें अपना मूस मैं भर लूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप एक कैरी बैग का बना सकते हो, जैसे हम मेहंदी का कौन बनाते हैं वैसा कौन बना सकते हो, या फिर आप स्पून से भी डाल सकते। इस तरह से मैंने अपना एक पाइपिंग बैग तैयार कर लिया है। मैंने इस तरह का ग्लास लिया है अपना मूस सेट करने के लिए। अब मैं
एक ग्लास में अपने मूस को सेट कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं नीचे ओरियो बिस्किट का जो हमने चूरा बनाया था उसे डाल रही हूँ, और उसे थोड़ा सा दबाने के लिए मेरे पास ये बॉटल है। मेरे ग्लास का मुंह बहुत छोटा है, मैं और किसी चीज़ से नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं इससे उसे थोड़ा सा प्रेस कर रही हूँ। इसके ऊपर मैं डालूँगी अपना मूस। इसके बाद हम फिर से अपने बिस्किट का चूरा डालेंगे। आप इसे बड़े बर्तन में भी सेट कर सकते हो, जैसे एक ही डिश पूरी बड़ी उसके अंदर पूरी तरह से सब सेट कर लिया। इसके ऊपर फिर से मूस। थोड़ा सा ऊपर फिर से बिस्किट का डालूंगी मैं लेयर दबा के। और फाइनली ऊपर फिर से मूस का मैं लेयर बना रही हूँ। एक ओरियो बिस्किट मैं इसके ग्लास के टिप पे ऐसे लगा देती हूँ ताकि वो दिखने में सुंदर दिखे। और थोड़े से ऐसे स्प्रिंकल्स हैं मेरे पास कलरफुल, वो मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल करके इसे फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूंगी, और जब सर्व करना होगा हम सर्व करेंगे। हमारी रेसिपी रेडी हो गई है, इसे मैंने ग्लास में सेट कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बच्चे तो खास करके इसे ज़रूर पसंद करते हैं। जल्दी मिलते हैं आपको अगली रेसिपी में।